एवरी वन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्रोफेशनल आज मैं फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर आई हूँ नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर एट से क्वाड्रिलेट्रल तो क्या है थ्योरम आज देखते हैं कहता इफ ईच पेयर ऑफ ओपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेट्रल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरलोग्राम मतलब इस पूरी थ्योरम में चार वर्ड्स मेन की पॉइंट्स हैं क्या एक क्वाड्रिलेटरल उसकी ओपोजिट साइड्स ईच पेयर इक्वल पैरलोग्राम मतलब अभी तक हमने किया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैलोग्राम तब कहेंगे जब उसकी ओपोजिट पेयर साइड्स के पैरेलल होंगे जैसे इसके पैरेलल ये और इस साइड के पैरेलल ये होंगे ये किया था अब वो नई डेफिनेशन बता रहा है कि अगर ये ओपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल के साथ साथ बराबर भी हो जाए लिख है ना तो पैरेलल के साथ साथ अगर बराबर भी हो जाए तब हम इस क्वाड्रिलेट्रल को भी पैरलोग्राम कहेंगे मतलब इस थ्योरम के प्रूफ करने के बाद हमारे पास क्या डेफिनेशन आ जाएगी कि, कि किसी भी क्वाड्रिलेट्रल को फोर साइडेड फिगर को पैरलोग्राम हम कह सकेंगे अगर उसकी ओपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो ठीक है उसी तरह ये दोनों साइड्स पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों ठीक है तो ये हमने प्रूफ करना है ठीक है तो चलिए पहले सबको रब कर देते हैं फिर ताकि आपके पास क्लीन वाली सेम हो जाए ठीक है और क्या है ये अब सबसे पहले थ्योरम को करने का जो तरीका है क्या है हमारे पास तरीका गिवन ठीक है अब हमें क्या दिया हुआ ओपोजिट साइड्स इक्वल है इसका मतलब ए बी सी डी के इक्वल दी हुई है और डी बी जो है वो ए सी के इक्वल दी हुई है यही बात है अब मैंने यहाँ पे वन लाइन लगाई है यहाँ पे टू लाइंस लगाई हैं सिर्फ एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है ठीक है अब थ्योरम को लिखने का जो तरीका है गेवन टू प्रूफ वो लिखते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन तो क्या है गिवन गिवन है मेरे पास given तो गिवन क्या है अब अब सबसे पहले देखें कि मेरे पास गिवन क्या है अब क्या यहाँ पे गिवन दिया है मुझे यहाँ पे गिवन दिया है कि ओपोजिट साइड्स के हैं पैरेलल तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी अब बराबर का निशान देखो कहाँ पे है बराबर का निशान तो बराबर का निशान ये रहा ए बी इज ईक्ल्स टू अब आगे चलते हैं ए बी इज ईक्स टू सी सी एंड डी ठीक है अब कोमा और ए बी इज इक्वल्स टू सी डी फिर ए सी इज़ इक्वल्स टू डी बी एक दी है हमें ए सी इज ईक्ल्स टू इज ईक्स टू कौन सी दी है बी डी ठीक है अब ए सी लिखे तो उसी सीक्वेंस में लिखेंगे बी डी तो ये मेरे पास आ गया ए सी इज इक्वल्स टू बी डी ठीक है ये हो गया अब उसके बाद टर्न है हमारी गिवन हो गया अब हमने लिखना है टू प्रूफ ठीक है तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे टू प्रूफ तो प्रूफ क्या लिखना है अब हमने प्रूफ क्या करना है हमने प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम यही प्रूफ करना है हमने सबसे पहले हम डैश डाल के लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम तो अब सिंपल करें ठीक है कैपिटल लेटर्स में लिखूंगी मैं ए फिर से कैपिटल बी सी डी इज ए पैलोग्राम यही लिखना है अब पैरोग्राम हम कैसे प्रूव करेंगे जैसे अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस किया है कि उसने बराबर तो दिया हुआ है अब हमने ये प्रूव करना है कि इसके दोनों पेयर ओपोजिट साइड्स के क्या हैं पैरेलल अगर ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव कर दें और ए सी को बी डी के पैरेलल प्रूव कर दें तो ऑब्वियसली दोनों ओपोजिट पेयर पैरेलल प्रूव हो जाएंगे साइड्स के तो ये ए बी सी डी हमारी पैरोग्राम हो जाएगी पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही है तो अब उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्या कंस्ट्रक्शन करनी है पहले लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ठीक है तो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ठीक है तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम इस ए को डी से ज्वाइन कर देंगे मतलब एक डायग्नल ड्रॉ करने लगे हैं ए को डी से जॉइन करने लगी हैं है। उससे क्या होगा जब ये डाइग्नल ड्रॉ हो जाएगा तो पूरा क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो पहले एक बार लिख लेते हैं फिर ड्रा आपके सामने कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ड्रॉ ड्रॉ लिखेंगे ड्रॉ डाइगनल ठीक है ड्रॉ अ डायगनल कौन सा डायगनल हमने ड्रॉ किया है ए डी ठीक है आप कोई भी कर सकते हैं तो मैंने ए डी किया है ठीक है तो चलिए ब्रॉड में लिखा गया कोई बात नहीं ठीक है ये आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर कट दिखेगी इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है ठीक है तो ये था हमारी अभी कंस्ट्रक्शन अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं तो लाइन लेती हूँ मैं यहाँ से ए टू डी यही है ठीक है ये कंस्ट्रक्शन मैंने की है ब्लैक लाइन से कर दूं फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो ये लीजिए ए टू डी तो ये कंस्ट्रक्शन किया मैंने ठीक है ए टू डी अब देखिए ये मैंने डायग्नल ड्रॉ किया तो ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में मेरे डिवाइड हो गया अब अगर आपको याद हो तो क्वाड्रिलेटरल की जो सबसे पहले थ्योरम की थी जो मैंने कहा था कि ये थ्योरम बेसिक है तो ये आगे काम आएगी क्या की थी कि जो डाइग्नल है वो एक क्वाड्रिलेटरल को जो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है पर वो दो ट्राइंगल्स की खासियत क्या है कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं कॉल कंगुरेंट होते हैं यही की थी हमने आ, है ना तो कंगुरेंट का क्या मतलब है चलिए एक बार अब मैं देख लेती हूं मान लीजिए यहाँ पर आप करते हैं मैंने एक दो ट्रायंगल्स बनाए हैं ठीक है ठीके? अब ये दोनों ट्रायंगल्स है मेरे पास अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्गुरट कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्गुरेंट है कॉन्गुरंट का साइन ऐसा होता है अब कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है कि इसकी तीनों साइड्स इस दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर है और इसी तरह ये जो तीनों एंगल्स है तो दूसरे ट्राएंगल के तीनों एंगल्स के बराबर है ये ज़रूरी नहीं कि ये वाली साइड इधर वाली के बराबर होगी तो रेशो वाइज बराबर हो सकता सकते कि ये इधर वाले के बराबर भी हो सकते इधर वाले के ठीक है पर ये ज़रूर होगा कि तीनों साइड्स एक एक करके इधर भी तीनों साइड्स के बराबर होंगे और इसी तरह एंगल्स का सिस्टम होगा ठीक है अब अगर ये दोनों कॉन्कुरेंट हैं तो एक बार अब मैं इस रफ वर्क को सारा डिलीट कर देती हूँ ठीक है तो एक एक करके फिर अब हम चलते हैं आगे तो अब अब मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है मेरे पास कॉन्गुरेंट हैं अगर कॉन्गुरेंट हैं तो इसका मतलब जैसे भी हमने किया कि साइड्स ये वाली इधर वाली साइड्स के बराबर हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली दी हुई है बाय गिवन कि ए सी बी डी के बराबर है ए बी सी डी के बराबर है ठीक है तो अब एंगल्स पर भी यही कंसेप्ट लगेगा कि ये जो एंगल्स हैं मेरे पास पैन ऑन करती हूँ ये जो एंगल्स हैं मेरे पास ये इसके बराबर होगा मतलब वन नंबर एंगल जो है एक बार अच्छे से लिख देती हूँ वन नंबर एंगल जो है वो टू नंबर एंगल के बराबर होगा उसी तरह ये जो थ्री नंबर एंगल है ये फोर नंबर एंगल के बराबर होगा अच्छे से डाल लेती हूँ फिर आपको फोर नंबर एंगल के बराबर होगा वन नंबर एंगल टू नंबर एंगल के थ्री नंबर एंगल फोर नंबर एंगल के बराबर होगा ठीक है क्योंकि दोनों ट्रैंगल्स क्या हैं कॉन्गोेंट है अगर कॉन्गोरेट है तो ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए अब बराबर हो गए तो चलिए अब एक कंसेप्ट करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स का मान लीजिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट होता है और हम क्या कहते हैं कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है मान लीजिए इसका नाम एल ये एम है हम कहते हैं कि अगर एल लाइन एम के पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या है बराबर है यही हम कहते हैं ना उसी तरह कोई भी पेयर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स का या ऑल्टरनेट एंगल्स का तभी बराबर होता है जब उनको बनाने वाली लाइंस क्या हो पैरेलल तो यहाँ पे यही कांसेप्ट है अब अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो इसका मतलब इसको बनाने वाली लाइन एंगल 1 को बनाने वाली लाइन AC है एंगल 2 को बनाने वाली लाइन BD है तो ये भी आपस में क्या हो गई पैरेलल अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे और अगर एंगल्स बराबर है तो उसका रिज़ल्ट कन्वर्स भी ट्रू है कि लाइंस भी क्या होंगी पैरेलल मतलब दोनों साइड है अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स बराबर अगर एंगल्स बराबर है तो लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल होंगी अब यहाँ पे हम यही रिजल्ट लगा रहे हैं कि एंगल वन एंगल टू के बराबर है तो इनको बनाने वाली लाइन्स क्या होंगी पैरेलल उसी तरह एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर है तो एंगल थ्री को बनाने वाली लाइन सी डी एंग एंगल फोर को बनाने वाली लाइन ए बी भी, भी क्या होगी पैरल ठीक है तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ प्रूफ ठीक है तो अब हम प्रूफ क्या लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ लिखने लगी हूँ यहाँ पे ठीक है तो प्रूफ लिखूँगी बोल्ड लेटर्स में लिख लूँ क्योंकि एक सिमिट्री से बन जाएगी हमारी है ना तो प्रूफ आ गया मेरे पास तो प्रूफ क्या आया अभी हम लिखेंगे पहले हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी ठीक है ये ए बी डी ट्रायंगल और ये ए सी डी ड्राइंग या पहले रीज़न लिख लीजिए फिर रिजल्ट लिख लीजिए या रिज़ल्ट लिख के ब्रैकेट में रीज़न तो चलिए हम इजी वही है वो लिख लेते हैं तो क्या लिखेंगे हम डायगनल अब बोल्ड लेटर्स ख़त्म कर दें अ डाइगनल ए सी सॉरी कौन सा डायगनल है ए डी डायगनल ए डी डिवाइड्स क्वाड्रिलेट्रल डिवाइड्स क्वार्रिलेट्रल को शॉर्ट कट में क्वाड लिखने लगी हूँ और साथ में डॉट क्वार्रिलेट्रल एंटू टू सॉरी इंटू इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें इंटू इन इंटू uh, हमारा इंटू टू फिर से गलत हो गया इंटू टू कोंगुरेंट ट्राइंगल्स ठीक है जी ट्रायंगल्स यही है ट्राइंगल्स ठीक है तो इसका मतलब अब हम नीचे रिजल्ट लिखते हैं तो चलिए क्या आ गया मेरे पास अब तो कौन सा आ गया मेरे पास ट्राइंगल का तो अब कौन सा ट्राइंगल का नाम बताएं अगर मैं देखूँ तो ट्रायंगल कौन सा है ए बी डी तो ट्राइंगल आ गया मेरे पास ए बी एंड डी अब ये कॉन्गुरेंट है तो कॉन्गोरेन्सी का निशान ये रहा कॉन्गुरेंट ट्रैंगल किसकी है पहले ट्राइंगल का हम साइन डालेंगे तो ये रहा साइन ट्रायंगल अब किसके बराबर है ट्रायंगल ए सी डी तो ये आ गया मेरे पास ट्रायंगल ए सी और डी ठीक है रीज़न हमने लिख दिया और उसका आंसर हमने यहाँ पे देर फोर भी डाल सकते हैं आप देर फोर का साइन कौन सा है दे ढूंढिए यहाँ ये रहा ठीक है अब हो गया अब अगर ये अब नीचे लिखते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स एंगल्स हैं तो चलिए अब फिर से लिखते हैं अब लिखते हैं एंगल वन है ना तो अब एंगल का साइन डालेंगे सबसे पहले एंगल का साइन ढूंढो कहाँ पे है तो ये रहा ठीक है एंगल वन तो अब मैं लिखूँगी एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल अब मैं लिखूँगी एंगल वन एंगल टू के बराबर है तो एंगल वन को बनाने वाली ए सी साइड एंगल टू को बनाने वाली बी डी साइड तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी पैरल तो अब हम लिखेंगे ए ए साइड को लिखते हैं कैपिटल में तो ये आ गया ए सी अब पैरल का साइन डालेंगे हम पैरल फिर कौन सी साइड है ए सी पैरल बी डी तो बी ये रहा तो ये डी हो गया अब इसी तरह फिर से अगला करते हैं एंगल थ्री इज ठू एंगल फोर है तो एंगल का साइन लेते हैं एंगल फोर अब पहले ए सी वाली लिए ना तो फिर इधर वाली एंगल फोर लेंगे एंगल फोर इज ईक्स टू इज़ इक्ल टू का साइन अब फिर से एंगल थ्री ठीक है तो एंगल फोर इज़ इक्स टू एंगल थ्री अब एंगल फोर को बनाने वाली साइड ए बी है एंगल थ्री को बनाने वाली साइड सी डी है तो यहाँ पे लिखूंगी ए बी पैरेलल का साइन फिर आ गया सी डी यही है ना ए बी पैरल सी डी हो गया ठीक है अब देखिए अब ए सी बी डी के भी पैरेलल अब देखिए ए सी बी डी के भी पैरेलल हो गया अब ए सी बी डी के पैरेलल हो गया ए बी भी सी डी के पैरेलल हो गया तो ओपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो गई जब सारी ओपोजिट ये पेयर इसके बराबर पैरेलल हो गया ये साइड इसके पैरेलल हो गई ठीक है तो अब हम यही डेफिनेशन की थी कि अब कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ अ पैरलोग्राम क्योंकि हमने बेसिक डेफिनेशन यही की थी कि जब ओपोजिट पेयर ऑफ साइड्स दोनों पैरेलल प्रूव हो जाएँ तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर क्या हो जाएगी पैरलोग्राम यही कहा था तो अब हम यहाँ पे लिखने लगे है कि ए बी सी डी ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम यही प्रूव करना था हमने तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये चीज प्रूव कर दी ये ठीक है तो इसका मतलब अब हमारे पास अल्टीमेटली क्या डेफिनेशन आ गई ये डेफिनेशन आ गई कि हम कह सकते हैं यहां पे अब यहां पे आप हैंड्स प्रूव्ड भी लिख सकते हो तो हैंड्स प्रूफ्ड ये चीज़ जो अल्टीमेटली हमें प्रूव करने को कहा गया था वो हमने प्रूव कर दी ठीक है तो अब आप अल्टीमेटली क्या कह सकते हो कि अब हमारे पास ए बी सी डी पैरलोग्राम की एक और डेफिनेशन आ गई अब तक हम यही जानते थे कि जब ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरल होंगे तो वो पैरलोग्राम होगी पर अब एक और कंडीशन फीचर पता चल गया कि अगर ओपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ बराबर भी होगा तब भी हम उसे ए बी सी डी को क्वाड्री quadri को पैलोग्राम कह सकेंगे ठीक है तो ये थी आज की थ्योरम अब आपके लिए कल फिर से थ्योरम लेकर आऊँगी एक नई और हाँ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, किया तो प्लीज़ कीजिएगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए थैंक यू अ नाइस डे